नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। टोक्यो से मेडल लाने वाला आईएएस, जी हां, टोक्यो पैरालंपिक में गुरुवार को भारतीय शटलर ने अपने अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के SL4 मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। उन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी निकोलस जे पॉट को 2-0 से सीधे सेटों में हराया है। पहले मैच में ही सुहास एलवाई यथराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पर काबिज यथराज ने जे पॉट को 21-9 और 21-3 से हराकर आसानी से अगले राउंड में जगह बनाई। अब सुहास एलवाई का मुकाबला शुक्रवार को इंडोनेशिया के हैरी सुसांतो से होगा। उनकी टोक्यो पैरालंपिक में पहली जीत के बाद भारत में तो खुशी का माहौल है, वहीं खासतौर पर उनके जिले गौतम बुद्ध नगर में भी जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो एक आईएएस एक इतना अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी भी हो सकता है, ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन नोएडा को ऐसा जिलाधिकारी मिला है जो खेल स्पर्धा उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। बचपन से ही सुहास एलवाई को शौक रहा है खेलों का और उन्होंने अब पैरा ओलंपिक्स में जीत हासिल की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। भारत के जिलाधिकारी जो कि गौतम बुद्ध नगर से हैं, वो टोक्यो पैरालंपिक में छाए हुए हैं और जो जीत का जश्न है वो देश में ही नहीं नोएडा में भी और गौतम बुद्ध नगर में भी खास तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है जब कोई आईएएस बने और उसकी रुचि जो है खेलों में भी इतनी ज़्यादा हो कि वो टोक्यो पैरालंपिक में एक मेडल जीत कर लेकर आए। वाकई खुशी दोगुनी हो जाती है जहाँ एक तरफ सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरजोर मेहनत वो गौतम बुद्ध नगर में कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस खेल में उनकी रुचि है, भारत का जो मान है, वो टोक्यो और पैरालंपिक में जाकर उसे बढ़ा रहे हैं और वहां जीत का परचम लहरा रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में गुरुवार को भारतीय शटलर ने अपने अभियान की शुरुआत की और इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के SL4 मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए नजर आए। उन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी निकोलस जे पॉट को 2-0 से सीधे सेटों में हराया है। और नोएडा से मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, ये बहुत खुशी का मौका है, एक आईएएस और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई टोक्यो पैरालंपिक में जाकर जीत का परचम लहराते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज सुहास एलवाई का, भूपेश मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी भूपेश, किस तरह का जश्न देखने के लिए मिल रहा है नोएडा में? देखिए बिल्कुल, नोएडा के लोगों में इस बार जो है दोहरी खुशी है क्योंकि ग्रेटर नोएडा से भी एक 18 वर्षीय युवक प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जो है सिल्वर मेडल जीता है, तो उसके अलावा जो नोएडा के डीएम है खुद वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, तो अपने आप में नोएडा के लिए बहुत बड़ी बात है और नोएडा के लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है और काफी खुश है अब, क्योंकि जो डीएम है वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और उनका सीधा मुकाबला कल होगा जहां उनसे अब मेडल की जो उम्मीद है वो लोग लगा रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो गौतम नगर के डीएम हैं वो गोल्ड लेकर ही वापस लौटेंगे। जी बिल्कुल भूपेश, यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई, उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है और उनके साथ में जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो किस तरह से खुशी का मना रहे हैं, किस तरह का खुशी का यहाँ पर तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? देखिए परिवार वालों से तो अभी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो उनके साथ कर्मचारी थे उनके चेहरे पर अलग अलग तरह की खुशी देखने को मिल रही है और उन लोगों का कहना है कि जो जिलाधिकारी सुहास एलवाई हैं वो लगातार काफी मेहनत करते थे और वो सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मुझे अपने खेल पर फोकस रखना है क्योंकि वहां पर दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर अपना 100% देने के लिए आएंगे, तो मुझे भी अपना 100% देना है और देश के लिए गोल्ड लेके आना है और उसी कड़ी में वो लगातार आज उनका एक और खास मुकाबला होने जा रहा है इंडोनेशिया के खिलाड़ी से, तो उसको लेकर किस तरह की शुभकामनाएं उन्हें दी जा रही हैं नोएडा वासियों की तरफ से? देखिए बिल्कुल, उन लोगों का कहना है कि उनका जो मुकाबला होगा और उन्होंने साफ तौर पर लोग दुआ भी कर रहे हैं और कहना भी है कि वो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल ही जीत कर लाएंगे क्योंकि जिस तरह से वो लगातार खेल रहे हैं, 2 गेम उन्होंने अपने जीत लिए हैं और जिस तरह की उनकी फॉर्म लग रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि वो गोल्ड मेडल जीत कर ही आएंगे। लोगों का कहना है कि जब वो गोल्ड मेडल लेकर जीत कर लेकर आएंगे तो पूरे नोएडा में एक जश्न का माहौल होगा और
उनके कर्मचारी से लेकर उनके परिवार में एक अलग तरह की खुशी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पैरालंपिक में पदक जीता है और आज भी सुहास सलवाई का एक शानदार मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो नोएडा वासी हैं उनमें भी खुशी की लहर है। जो उनके साथ कर्मचारी हैं वो भी खुशी के साथ जश्न मना रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि सुहास सलवाई गोल्ड मेडल लेकर भारत वापसी करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सुहास सलवाई गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं और एक आईएएस अफसर होने के साथ साथ वो खेलों में भी अपनी रुचि रखते हैं। और सिक्की जो बानकी है और जो खास तस्वीरें हैं वो टोक्यो पैरालंपिक में देखने के लिए मिली है। पहले जीत दर्ज कर ली है लेकिन अब इंतजार है तो गोल्ड मेडल का। खासतौर पर उनके जिले गौतम बुद्ध नगर में जश्न का माहौल अभी से ही शुरू हो चुका है। जन आशीर्वाद रैली, जी हाँ, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा को लेकर जन आशीर्वाद रैलियां निकालकर चुनावी बुगुल फूंक दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन आशीर्वाद रैली के तहत हेलीपैड पर 11 बजे श्रीनगर पहुंचकर आशीर्वाद यात्रा रैली का शुभारंभ कर चुके हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लैंडोन विधानसभा के विधायक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, हमारे पास तो एक ही चेहरे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1:35 पर श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर भी जाएंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर। इस दौरान सीएम मंदिर में पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। तो बीजेपी उत्तराखंड में भी पूरी तरह से तैयारी के साथ चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने किया है और यहां पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए भी जो वहां के विधायक हैं वो नजर आए हैं। अब से कुछ देर बाद इस यात्रा की जो कड़ी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोग जो हैं कार्यकर्ता वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं कि उनकी चेकिंग और मास्क अनिवार्य रखा गया है, यानी कि रैलियां तो होंगी लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन भी खास तौर से रखा जाएगा ताकि संक्रमण को बढ़ावा ना मिले। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी भगवान सिंह मेरे साथ पौड़ी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जन आशीर्वाद रैली निकालकर चुनावी बिगुल तो फूंक दिया गया है, पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हुए हैं यहां और तमाम उनके कार्यक्रम हैं, किस तरह से उनके कार्यक्रम होंगे, कट टू कट जानकारी दीजिए और मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा वो भी जानकारी दीजिए। भगवान सिंह, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो मेरे सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जन आशीर्वाद यात्रा रैली का शुभारंभ हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी से ही जो बीजेपी है वो पुरजोर कोशिश कर रही है क्योंकि विपक्ष जो है लगातार बीजेपी के जो सीएम के चेहरे बदल रहे हैं उसको लेकर सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में अब समय है कि बीजेपी पुरजोर कोशिश के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आए। जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से थोड़ी आवेश में जरूर नजर आ रही है, थोड़ी सी नाराज जरूर नजर आ रही है क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर प्राकृतिक आपदा के चलते जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं उत्तराखंड में जो हर साल रहते हैं और इसी वजह से आम जनता परेशान है क्योंकि आम जनता का कहना है कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए वो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। देखिए, कई बार बरसात के मौसम में बादल फटने की खबरें, भूस्खलन की खबरें उत्तराखंड से सामने आती है। ऐसे में सैकड़ों गांव ऐसे होते हैं जिनका संपर्क शहरी रास्तों से या फिर मुख्य मार्गों से कट जाता है। ऐसे में आम जनता को परेशानियां होती हैं, तो उन्हीं परेशानियों को सुनने के लिए, उन्हीं परेशानियों को दुरुस्त करने के लिए लगातार बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है जनता तक पहुँचने की। और मेरे सहयोगी भगवान सिंह एक बार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जन आशीर्वाद रैली जो है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शुरू हो चुका है और स्थानीय लोगों ने यहाँ जनता के वार्ड सभा मुख्यमंत्री का स्वागत
स्वागत किया गया है फूल माला देके। उनका यह कहना है कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो श्रीनगर का जो दौरा माना जा रहा है पहला दौरा माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से मैं बता दूं आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे आ रहा है तो बारिश नहीं हुई है, नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री आते थे तो बारिश हो जाता था, इंद्रदेव उन पे रहम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज पहली बार जब से मुख्यमंत्री का पहला। बिल्कुल भगवान सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ कर दिया है, चुनावी बुगल फूंक दिया है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक जो हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच पहुंचने की। और ये यात्रा जो है इसीलिए निकाली गई है ताकि जनता तक पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, आगे क्या जनता चाहती है, क्या कुछ जनता के मन में चल रहा है, ये जानने की कोशिश की जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं चारों तरफ जो यहाँ पर लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी के अलावा शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं सभी भर्तियों को तुरंत रद्द न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परशारी ने कहा है कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय को बीजेपी से अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है, ऐसे में अपनों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के पीआरओ समेत अधिकारियों के रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन जो इसके हकदार हैं उनको नौकरियां नहीं दी जा रही है। तो मुक्त विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप यहां पर लगाया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा भर्तियों को तुरंत रद्द न करने पर आंदोलन की चेतावनी आम आदमी पार्टी यहां पर देती हुई नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जो है सक्रिय नजर आ रही है, जनता तक पहुंच रही है, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर प्रेस वार्ता हो रही है। प्रेस वार्ता में राज्य सरकार को घेरा जा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, सड़कों की जो खस्ता हाल है उनको लेकर हो, या फिर प्राकृतिक आपदाओं में जो संपर्क गांव के टूट गए हैं मुख्य मार्गों से, उनकी समस्याओं को अवगत कराना हो। राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड में अपनी शहादत इस राज्य के लिए देने वाले सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। इस पत्रकार सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के गंभीर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज आप सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया है। इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए मैं बिंदुवार इस प्रकरण को, इस मामले को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। कोरोना आखिर जाता क्यों नहीं है, ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर डर भी है। दूसरी लहर अभी गई ही थी, लेकिन मामले लगातार बढ़ते हुए नजर एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। भारत में अब रोजाना करीब 45,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों की मैं बात करूं तो मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,352 नए कोरोना केसेस सामने आए। इससे एक दिन पहले 47,092 मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 366 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 34,791 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 10,195 एक्टिव केस अब बढ़ गए हैं। देश में रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना केस आ रहे हैं, इसी वजह से लोग डरे हुए हैं, जिस वजह से एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 4,00,000 तक पहुंच गई है। इस मामले में भारत अब 7वें स्थान पर आ गया है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,29,03,000 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से 4,39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि अब तक 3,20,63,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल 3,99,000 लोग अब भी कोरोना वायरस के चपेट में हैं, संक्रमित हैं, जिनका इलाज अब भी जारी है। कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में कोरोना आया और पहली लहर ने कहर बरपा दिया। हालांकि पहले लोगों को नहीं पता था कि कोरोना क्या है, लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे
क्योंकि ऐसी महामारी पहले लोगों ने नहीं देखी थी। लेकिन सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया जो कि संपूर्ण लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। 2021 की शुरुआत में ही कोरोना फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। अप्रैल और मई ये दोनों महीने ऐसे रहे कि देश में रोते बिलखते लोग नजर आने लगे, चारों तरफ चिताएं जल रही थी, शव नदियों में बहकर आ रहे थे, लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, ऑक्सीजन के लिए किल्लत इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग सिलेंडर जो है वो अपने कंधों पर उठाकर अपने मरीजों तक पहुंचा रहे थे, साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया था, ऐसे हालात हो गए थे। ऐसे में सरकारों ने ये मुद्दा उठाया और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब जो ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो यहां पर ऑक्सीजन प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, हर अस्पताल में ऑक्सीजन होनी ही चाहिए। तो अब कोशिश की जा रही है क्योंकि तीसरी लहर को लेकर आशंका पहले से ही जताई गई है। तीसरी लहर अगर आती है तो निपटने के लिए राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं, इस पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। लेकिन लोगों में डर है, दूसरी लहर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तीसरी लहर सर पर मोबाइल खड़ी हुई है जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर चुकी है। ऐसा विशेषज्ञों को कहना है कि अभी से ही तीसरी लहर के जो लक्षण हैं वो बच्चों में देखने शुरू हो गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार, हालांकि इसकी जांच की गई तो इसमें कोरोना जैसे कोई लक्षण नहीं दिखे हैं और कोरोना का नया स्ट्रेन भी नहीं दिखा है, लेकिन डर लोगों में उतना ही है जितना कोरोना को लेकर होता है। इसी वजह से सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त है लेकिन प्रशासन भ्रष्ट है, यहां सबकी बात नहीं हो रही है, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में तमाम भ्रष्ट ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार द्वारा जो जनता तक चीजें पहुंचाई जानी चाहिए उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से सख्त है और दिन प्रतिदिन अधिकारी कर्मचारियों को सख्त हिदायतें दे रही है, वही उन्हीं के जो नुमाइंदे हैं वो लुटिया डुबोनों में लगे हुए हैं। ताजा मामला पीलीभीत के पूरनपुर सहकारी चीनी मिल का है। यहाँ चीनी मिल के जीएम और क्लर्क सीसीओ सहित अन्य कर्मियों की मिलीभगत के चलते बड़ा घोटाला सामने आया। चीनी मिल प्रशासन के लगभग 20 एकड़ जमीन क्लर्क ने गोलमाल कर अपने चहेतों को टेंडर पर दे रखी है। वहीं मिल प्रशासन की जमीन पर सालों से गन्नों की फसलों को उगाया जा रहा है और बिचौलियों के हाथ बेचने का आरोप भी है। वहीं मिल प्रशासन की तरफ से किए गए घोटालों का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर गन्ना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। यानी ये कहा जा सकता है कि चाहे वो निम्न स्तर पे हो चाहे वो उच्च स्तर पे हो, अब भी उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि ऐसे अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लीन हैं उन्हें या तो निष्कासित किया जाए या फिर उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके कानों पे जून तक नहीं रेंग रही है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसा मामला पीलीभीत से सामने आया जहां पर अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। दरअसल चीनी मिल की घोटाले की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई है। कई एकड़ की जमीन बताई जा रही है जिसमें गन्ने की खेती हो रही है और अलग दामों पर बिचौलियों को ये जो फसल है वो बेच दी जाती है। जी, टेंडर भरा गया था 11 एकड़ जमीन पे एक काम करने के लिए, कृषि जिसे बोलते हैं लेबर कंडक्शन का, उसका टेंडर होना था जिसकी मेरी सिक्योरिटी भी 4,000 रुपये जमा की गई थी और मेरा द्वारा मेरे साथ में दो लोग और भी एक व्यक्ति थे उनने भी जमा किया था। लेकिन हम लोगों को पहले तो डेट नहीं दे रहे थे, फिर एकदम डेट का जब इस तरीके से बात चलती रही तो उन्होंने क्या किया, हमसे बोला ठीक है टेंडर किसी कारण निरस्त कर दिया गया और हम लोगों से कहा गया कि अगली डेट आने का आप इंतजार करिए, आपको बुला लिया जाएगा। फिर जब टेंडर किया गया तो ना तो हमें सूचना दी गई ना हमें कुछ बताया गया। उसके बाद में एक दिन जब हम चीनी मिल जाके हमने पूछा कि सर आपने कुछ बताया नहीं, सर कब करेंगे टेंडर, बोला वो टेंडर तो कर दिया गया, आप अपनी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए। चीनी मिल का विस्तृत निरीक्षण करा गया है और यहाँ पे जो भी बातें संज्ञान में आई हैं कुछ कर्मचारियों को लेकर आई हैं, कुछ यहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनका किस तरह से प्रयोग करा जा रहा है इसके संबंध में है, उसके लिए एक विस्तृत जाँच टीम यहाँ पर बनाई जा रही है। अगले कुछ दिनों में घाटेवार विवरण प्राप्त करा जाएगा कि किस घाटे पर क्या गतिविधि चल रही है और उसी हिसाब से कार्रवाई और निर्णय होगा।
घोटाला सामने आया। चीनी मिल प्रशासन के लगभग 20 एकड़ जमीन क्लर्क ने गोलमाल कर अपने चहेतों को दे रखी है टेंडर पर। वहीं मिल प्रशासन की जमीन पर सालों से गन्ने की फसल को उगाया जा रहा है, बिचौलियों के हाथ बेचने का भी आरोप है। वहीं मिल प्रशासन की तरफ से किए गए घोटालों का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर गन्ना विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मची हुई है, लेकिन अब इनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राबिया सैफी हत्याकांड, ये हत्याकांड उत्तरी दिल्ली की मैं बात करूं तो इस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के संगम विहार इलाके का है, जहां की रहने वाली राबिया जो सिविल डिफेंस में काम करती थी उसकी हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड के नजदीक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, बर्बरता की गई। राबिया सैफी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भले ही कर लिया हो, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि साजिश में कई लोगों के हाथ हैं। वहीं परिजनों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है और केस को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की बात कही है। कांग्रेसी नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामले में सवाल ये उठता है कि राबिया जिस कार्यालय में काम करती थी वहां के अधिकारी इस मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। एक व्यक्ति फरीदाबाद के पाली रोड पर राबिया की हत्या करके दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में आत्मसमर्पण करता है और खुद को उसका पति निजामुद्दीन बताता है, लेकिन घर वालों का कहना है कि इसकी शादी ही नहीं हुई थी, वो दोनों सिर्फ दोस्त थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर वालों को पूरी तरह से इस मामले में शक है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। ये मामला सही तरीके से पुलिस जो है सबके सामने नहीं रख रही है। तो दिल्ली का ये पूरा मामला जहां पर राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो दिल्ली का ये पूरा मामला, दिल्ली के संगमवार इलाके की रहने वाली राबिया जो कि सेल्फ डिफेंस में कार्यरत थी और वो कुछ करना चाहती थी, लोगों की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसके साथ ये हो जाएगा। 27 अगस्त का एक पूरा मामला है जहां पर कालिंदी कुछ थाने में आत्मसमर्पण करने एक शख्स पहुंचा और खुद को राबिया का पति बताया। हालांकि उसके पास कुछ ऐसे सबूत नहीं है कि ये साबित हो सके कि वो उसका पति है, लेकिन परिवार का कहना है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई है। निर्मम तरीके से राबिया की हत्या कर दी गई थी और बर्बरता इतनी ज्यादा कि यहां बयां करना मुश्किल है। मध्य प्रदेश के सागर में दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला शहर के थाना मोतीनगर क्षेत्र का है, जहां पर एक तरफा प्यार में युवक ने कॉलेज से लौट रही छात्रा को बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, गोली चलने के कारण पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं आसपास की दुकानें भी बंद हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक युवती को परेशान कर रहा था, वहीं युवती के पिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद युवक गिरफ्तार हो गया था। वहीं जेल से छूटने के बाद युवक ने युवती को बीच सड़क पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश का एक पूरा मामला जहां पर सनकी आशिक ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। हालांकि ये एक तरफा प्यार बताया जा रहा है, वो लगातार छात्रों को परेशान करता था, जिसकी शिकायत उसने अपने परिवार वालों से की तो छात्रा के पिता ने इसकी शिकायत थाने में भी दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भी हुई, लेकिन जेल से छूटने के बाद आरोपी बाहर आया और जो छात्रा है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरी वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूनम के शर्मा जी इसी मोहल्ले में रहते हैं अपने परिवार के साथ में, और इसी मोहल्ले में रहने वाले रोहित राजपूत हैं। आज इन्होंने इसको पूनम पर रास्ते में रोक के और जो भी बात की हो तो उसके बाद इसको नज़दीक से एक पिस्टल से गोली मारी है और उस पिस्टल को वहीं पे छोड़ के भाग गए हैं। उस दौरान उसके लड़की के पूनम के जो है मदर और ब्रदर भी आ गए थे, उनको भी शायद पत्थर फेंक के मारा है, लेकिन तब तक वो भाग गए थे। उसकी स्पॉट पर डेथ हो गई है। पूर्व में भी एक विवाद हुआ था और उसमें मतलब इस लड़के की खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ था, तो उस केस में इसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, और उस केस का चालान भी जो है ये 5 महीने में हो गया था। इटावा के जनसन नगर थाना क्षेत्र में शादी की पंचायत निपटाने के दौरान विवाद हो गया। वहीं विवाद के दौरान लड़के के पिता ने लड़की के मामा और बहन के ससुर की राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर लड़के के पिता मौके पर राइफल के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा का एक पूरा मामला जहां पर शादी को लेकर पंचायत हो रही थी और इसी दौरान विवाद हो गया। विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारोपी वहीं पिस्टल लेकर खड़ा रहा।
कुंतनगर थाना क्षेत्र में कचौरा रोड रेल मंडी मोहल्ला है, वहाँ पर एक सर्वेश कुमार रिटायर्ड फौजी रहते हैं, इनके लड़के की शादी हुई थी, उस परिवार से इनका कुछ पारिवारिक विवाद था शादी के पश्चात से ही। अभी तक जो पूछताछ और प्रथम दृष्टया प्रकाश में आए हैं तथ्य, इसमें ये देखा गया है कि लड़की पक्ष के लोग इनके घर पर गए थे कुछ बातचीत करने के लिए, उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, उनमें कहा सुनी हुई है और लड़के पक्ष की तरफ से फायरिंग हो गई है, जो कथित फौजी हैं उनकी राइफल से फायर होना बताया गया है और दो लोगों की उसमें दौरान इलाज के डेथ बताई जा रही है। माई मेरी दवाई लेने के लिए गई थी मामा को लेके साथ में, फिर मामा को वहाँ पे पिटवाया, उनके मम्मी अम्मी सब लोग आ गई थी, अभी सुबह 11 बजे के करीब वहाँ पे मामा को पिटवाया, फिर मामा ने पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे कंप्लेन की, फिर वो उन्हें लेने के लिए गए, फिर वो आई नहीं, नाना ने बोला कि तुम्हें मारा है तो तुम घर पे आ जाओ, फिर मामा घर पे आ गए, फिर उनकी मम्मी उनको लेके आई, फिर थोड़ी देर खड़ी नहीं, फ़ोन ऑन करती नहीं, मामी की मम्मी, हाँ हाँ मामी की मम्मी, फिर उन्होंने बोला अंदर आओ नाना ने, फिर खड़ी नहीं, उनने फ़ोन किया कि आप आओ, उनने अपने लोगों को बुलाया लड़ने के लिए और फिर गोली चल गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।